तो घूमने जाना है और घूमने के लिए पैसा नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है वो तो। पर हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हरिद्वार। जी हाँ गाइस, हरिद्वार आज हम जाने वाले हैं, बट हमारे पास पैसा नहीं है। पर हमने सोचा कि चलो क्यों ना क्यों ना क्यों ना क्यों ना अपनी गुल्लक को एक बार खोल लिया जाए, जिसमें हम महीनों से पैसे जोड़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मम्मी पापा तो कहेंगे कि बेटा घूमने आपको जाने, तो पैसे भी अब अपने खर्च करो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने गुल्लक की चाबी निकाल ली है। मेरे पास ही डोरेमोन की तरह एक बहुत बड़ी पॉकेट होने वाली है, जिसमें बहुत ज्यादा खजाना निकलने वाला है। तो दोस्तों आइए हम इस खजाने को खोलते हैं अपनी डोरेमोन वाली की के साथ। तो दोस्तों यहाँ आ गई है हमारी गुल्लक, जो कि मैंने मीशो से परचेस किया था दोस्तों। और बहुत ही प्यारी ये गुल्लक होने वाली है, इसमें बहुत सारा खजाना है दोस्तों। इतना खजाना है कि अंबानी के पास भी नहीं होगा। तो चलो अब हम इसको अनलॉक करते हैं, अनलॉक करके देखते हैं दोस्तों कि इसमें कितना पैसा निकलने वाला है। क्योंकि पैसा जितना ज्यादा होगा घूमने में उतना ही मजा आएगा। आपको पता है बाहर हम जाएंगे, खाएंगे, पियेंगे, हमें हर चीज की नीड पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज हम गिन लेते हैं अपने पैसे। फेस देख के पता तो चल ही गया होगा कि इतने पैसे नहीं है। कुछ चिल्लड़ है, एक आध दो 500 का नोट है, कुछ 200 के नोट है और कुछ 100 के नोट है। तो इसके काउंटिंग करते करते मुझे मिले इसमें से 2,400 रुपये। जी हाँ गाइस, ये मैं आपको करंट अमाउंट बता रही हूँ अपनी गुल्लक का, 2,400 रुपये, जिसमें चिल्लर मैंने ऐड ऑन नहीं करी है। क्योंकि यार मैंने सोचा कि यार चिल्लर मैं किसको दूंगी, मेरे हालात तो खुद चिल्लर लेने वाले हैं। तो पर कोई बात नहीं, मैंने ये चिल्लर वगैरह रख के अपने गुल्लक को कर दिया बंद। दोस्तों मेरा हमेशा प्लान होता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं, हर महीने एक टूर लगाता हूं, लेकिन हमेशा पैसों के चक्कर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है दोस्तों कि मैं नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसकी अलग गुल्लक बना के मैं इसमें पैसे जोड़ूं, और जब मुझे जाना हो कहीं तो मैं इसके पैसे ही यूज करूँ। ये बिल्कुल साइड मनी होने वाली है दोस्तों, जिसको मैं अपनी सैलरी वगैरह में अकाउंट वगैरह नहीं करती। तो जस्ट जाने से 1.5 घंटे पहले मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ये टूर 2 दिन का था तो मुझे ज्यादा कुछ सामान रखना नहीं था। मैंने कैब कर ली थी हम तीनों के लिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग को अराउंड 11-12 के आसपास निकले थे, तो मुझे लगा कि शायद कैब बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी की फ्रेंड, ठीक है, और मैं, मतलब हम तीन जने जा रहे थे। और हम पहुंच गए थे बस अड्डा। जी हाँ गाइस, इस बस अड्डे को सब जानते होंगे, ये कश्मीरी गेट का मेन बस अड्डा होने वाला है, जहाँ से आपको हर जगह की बसें मिलने वाली है। हम तीनों बैठ गए थे अपनी सीट लेके, एंड जस्ट ही वो बस शुरू भी हो गई थी दोस्तों, हमें वेट नहीं करना पड़ा। मतलब हमें अराउंड लग गए थे 12-12:30 का टाइम हो रहा था इस टाइम पे। तो दोस्तों बात करते हैं टिकट की, मुझे कितने प्राइस की टिकट मिली। हमने बस अड्डे के बाहर से हमें मिल रहे थे, ठीक है, हरिद्वार के लिए, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे, मतलब 600 रुपए। जी हाँ गाइस, वही टिकट हमें अंदर मिली थी मात्र 365 रुपए में दोस्तों। तो ऐसी धोखाधड़ी से बचे, और बस अड्डे पे कभी भी किसी ब्रोकर के थ्रू टिकट ना ले आप। तो दोस्तों बातें करते करते हम पहुंच गए हैं होटल, और होटल दोस्तों हमें, मुझे कुछ खाने पीने का शौक नहीं है सफर में, और रात के बज रहे हैं 2:17। जी हाँ गाइस, 2:17 का टाइम हो रहा था। मेरी मम्मी और आंटी गए हुए थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ खाना है पीना है। मैंने कहा नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है। तो हमने मंगा ली अपने लिए कॉफी, और वो कॉफी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। तो यहाँ हमारा सफर दोबारा शुरू होने वाला था, हम निकल रहे थे होटल से, और बस हमारी बस बैक हो रही है और हम निकलेंगे अब आगे सफर पे। तो सफर में ऐसा कौन है दोस्तों जिसको नींद आ जाती, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती। मतलब तो ये आ गया है हमारा टोल, और बस टोल वगैरह करते ही हमारी गाड़ी बढ़ गई थी आगे। दोस्तों आई नो आप थोड़ा वीडियो से बोर हो रहे होंगे, तो हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट हरिद्वार। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं, हरिद्वार में बहुत ठंड होती है, तो कृपया करके अपने साथ एक स्टॉल जरूर रखें आप। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इन लोगों के तो स्टॉल निकल भी चुके थे, मैं ही कुछ रख के नहीं लेके गई। फिर क्या, मेरी मम्मी तो है ही जुगाड़, मुझे मम्मी ने अपना एक स्टॉल, ये चुन्नी कह सकते हो आप इसे, मैंने ये ओढ़ लिया था। मैंने भैया को चाय वगैरह का ऑर्डर दिया, ये टपरी वाली चाय होने वाली थी दोस्तों। दोस्तों हमारी बस ने हमें 3:30 के आसपास उतार दिया था, मतलब तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमें पूरा दिन घूमना भी तो था। तो हमने यहाँ पे चाय वगैरह ली, और चाय खत्म करते के साथ ही हम निकल गए अपने होटल की तरफ। जी हाँ गाइस, हमने रिक्शे वाले भैया से बात कर ली थी कि भाई हमें कोई सस्ता सा रूम दिला दो सिर्फ 5-6 घंटे के लिए। तो दोस्तों ये हमें लेके जा रहे थे, जिन्होंने हमसे लिए थे 10-10 रुपए। दोस्तों अगर आप हर की पीढ़ी पे जाएंगे तो ये आपसे 20 रुपए लेंगे, अगर आप नियर बाय होटल या धर्मशाला वगैरह में जाएंगे तो ये आपसे 10 रुपए लेंगे। पर दोस्तों जैसे सोचो ऐसा कभी होता नहीं है, हमें होटल बहुत मुश्किल से मिला था। तो जैसे कि आप देखो ये हमें एक रूम मिला था वो भी 500 रुपए में। जी हाँ गाइस, हमें एक रूम मिला था जिसमें डबल बेड था, कंबल था, कुशन से, मतलब प्रॉपर सेटअप था। तो ये हमारा रूम का गेट था, ये हमारा बेड था, ये मम्मी खड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे चेयर वगैरह थे, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह था, मतलब ठीक था।
ओके ओके था, 500 रुपए के हिसाब से बेटर था। तो दोस्तों आंटी ने कहा था 2 घंटे सोलो उसके बाद निकलेंगे, बट हम लोग काफी देर तक सोते रहे। मतलब हम लोग गए थे हर की पेड़ी पे अराउंड 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो यहाँ तो बस हमने अपना सामान होटल में छोड़ के मैंने अपना वॉलेट अपना फोन वगैरह ले लिया और मैं चल पड़े हम लोग हर की पेड़ी के लिए, जहाँ पे गंगा स्नान कह सकते हो आप, जो हरिद्वार का गंगा स्नान जहाँ पे होता है। लोकेशन में पहुंचे ही दोस्तों इतना प्यारा प्यारा व्यू मिल जाता है, जैसे कि आप देखो कितने यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, और साइड में पुल वगैरह बना हुआ है, मतलब खूब फुल लॉन मजा आ रहे थे व्यूज के। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, चंडी देवी का मंदिर होने वाला है ऊपर पहाड़ों पे। तो आंटी मुझे बता रही थी कि ऊपर जो पहाड़ पे है वो चंडी देवी का मंदिर है। तो यहाँ हम रिक्शे से उतर गए थे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, अब हमें यहाँ से वाई वॉक ही जाना था अंदर तक के तो लिए। बस हम पहुंच गए थे अपने द्वार की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल टाइप में लगा हुआ है, जहाँ पे आपको टी शर्ट, जैसे कि आपको गंगा जल वगैरह भरना है तो यहाँ पे कैन वगैरह बॉटल वगैरह मिल जाएंगी, प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा, जैसे कि खिलौने वगैरह मिल जाएंगे, बच्चों की ढोलक वगैरह, बहुत सारे अटरम सटरम मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बच्चों वगैरह के लिए, बड़ों के लिए। तो दोस्तों घाट पे तो हम पहुंच ही गए थे, बस हम आंटी को फैमिली को देख रहे थे जो कि अलग से जयपुर से आए थे और हम दिल्ली से गए थे, तो बस हम उनको देख ही रहे थे, देखते देखते वो भी हमको दिख गए। तो दोस्तों धूप बहुत तेज थी, तो मैं यही प्रेफर करूंगी आपको कि भैया अपने काले काले धूप वाले चश्मे रख के लेके आए। तो यहाँ पे मम्मी और आंटी तो चले गए थे गंगा जी में डुबकी लगाने, दोस्तों पानी थोड़ा कम था पर बहा पूरा था, मतलब कि आप बह सकते हो तो बी केयरफुल दोस्तों। तो यहाँ मम्मी और मम्मी नहा रहे थे, तो मैं इनका वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, मैंने कहा कि भाई चलो थोड़े से वीडियो व्यू ले लेते तो हैं। दोस्तों मम्मी और आंटी तो नहा चुके थे और इनकी फैमिली तो पहले ही नहा चुकी थी, अब रह गई थी मैं। तो मम्मी ने मुझे कैन दी, मम्मी ने कहा कि इस कैन में जल भर लेना जिसको हम घर लेके जाएंगे। और बस फिर क्या, मैंने अपना कैमरा आंटी को पकड़ाया, मैंने कहा आपकी बारी है कैमरा पकड़ने की, चलो फटाफट से पकड़ो और फटाफट से मेरी वीडियो शूट करो। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पकड़ ली थी चैन, क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं और ठंडा पानी इतना हो रहा था ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था दोस्तों। तो बस मैंने यहाँ पे 1.5-2 मिनट में नहा धो के नक्की हो गई और थी, उसके बाद मैंने 2-4 पोज दिए कि आंटी मेरे 2-4 फोटो और खींच दो गंगा मैया के साथ, बस ऐसे पोज दे के फिर मैं आ गई थी तो बाहर। दोस्तों कपड़े चेंज कर लिए थे, यहाँ मम्मी जी ने दीपक लिया था गंगा मैया को बस अर्पण करने के लिए, फूल वगैरह लिए थे, तो यहाँ पे उन्होंने दीपक वगैरह जलाया और बस गंगा मैया को हाथ जोड़े। तो दोस्तों उसके बाद हमारा शुरू हो गया था फोटो सेशन, जिसमें हमने स्लो मोशन वीडियो बनाए और साथ में आंटी मैंने और मम्मी और मैंने गंगा जी को हाथ जोड़ के बिल्कुल नमस्कार किया, इस तरीके के हमने स्लो मोशन बनाए थे, बहुत ही मजा आया। और दोस्तों ये वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, IamNandini09 पे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे चाय वगैरह ली, हमने चाय वगैरह पिया, उसके बाद फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया दोस्तों। यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हमने बनवाई अपने लिए सिकंजी, वो भी ठंडी ठंडी, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी दोस्तों, मतलब रात में ठंड और सुबह में गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार टू ऋषि। तो दोस्तों अभी तो हम जा रहे हैं होटल और होटल के बाद से आपको दिखाई देगा कि ऋषिकेश का टूर कैसा रहा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो के लिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस।